10 रुपीज़ पार्टी मेकअप के लिए सबसे पहले हम अपने बेस को अच्छा प्रेप करेंगे। तो मैंने जॉय की क्रीम ली है, एलोवेरा बेस है ये, और इसमें मतलब ये काफ़ी अच्छी है। तो अच्छे से भर भर के लगा लेनी है इसको, अच्छे से मसाज कर लेना है अपने फेस पे। ये एज ए प्राइमर भी वर्क करेगी क्योंकि 10 रुपीज़ में आई थिंक कोई प्राइमर नहीं आता है। और अब मैंने ली है ADS की लिप लाइनर पेंसिल, इसमें ब्राउन और ब्लैक शेड दोनों थे। तो अच्छे से हल्के हाथों से मैं अपनी आईब्रो फिल कर लूँगी, इसका बहुत क्रीमी टेक्सचर था। और दूसरी साइड भी हम ऐसे ही फिल कर लेंगे। और मैं अभी किसी कपड़े की हेल्प से आगे के जो एजेस हैं इन्हें पोंछ लूँगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे ब्राउन शेड चाहिए, फिर वो आईब्रो नेचुरल नहीं लग रही थी इस वजह से। और उसके बाद हम इस पुली के हेल्प से जब कॉम कर लेंगे तो एक नेचुरल फिनिश आएगी इसमें। टूल्स इंक्लूड नहीं है गाइस 10 रुपीज़ के अंदर। और मैंने स्पिंच की बीबी क्रीम ली है, ये 10 रुपीज़ पे आती है, और इसे अच्छे से मैं लगा लूँगी। और इस बीबी क्रीम को ही मैं ऐसे कंसीलर लगाऊंगी अपने आईलेट पे, क्योंकि 10 रुपीज़ के अंदर तो कोई कंसीलर नहीं आता है। देन मैं जहाँ पे ऊपर फोरहेड पे मेरे जहाँ बीबी क्रीम नहीं थी वहाँ मैं लगा लूँगी अच्छे से, ताकि एक नेचुरल फिनिश आए। उसके बाद मैंने लिया स्पिंच का ही ये पाउडर, ये भी अंडर 10 रुपीज़ आता है, इसको मैं एज ए बेकिंग यूज़ करूँगी। तो अच्छे से अपने फेस पे लगा लेंगे, देखिए जैसे मैं लगा रही हूँ। और अब मैंने लिया है मिलाप का काजल, ये अंडर 10 रुपीज़ था, इसको मैं अपनी आईलेट पे एज ए बेस लगाऊंगी और अच्छे से स्मज कर लूँगी। और दूसरी आईलेट पे भी मैं ऐसे ही कर लूँगी। उसके बाद मैं ब्राउन लिप लाइनर लेके अपने क्रीज पे लगा रही हूँ एज ए ट्रांजिशन कलर, और इसे ब्रश की हेल्प से स्मज कर लूँगी। और अब मैं थोड़ी सी एलोवेरा क्रीम लेके अपने आईलेट पे लगा लूँगी, ताकि जो ग्लिटर है ये ब्लू कलर का ग्लिटर ये हमारे फेस पे ना गिरे और अच्छे से स्टिक हो जाए हमारी आईलेट पे। और हमें आईलेट पे ही प्लेस करना है इसको, और ऐसे ही मैं दोनों आईलेट पे प्लेस कर लूँगी।
और दूसरी आईलेट पे भी मैं ऐसे ही प्रेस कर लूँगी अपने इस ग्लिटर को। और अगर आप ये ट्रिक आजमाएंगे ना गाइस, तो आप देखेंगे आपका ग्लिटर बहुत अच्छे से स्टिक हुआ है। तो अब मैं ब्रश की हेल्प से सारा पाउडर हटा दूंगी। उसके बाद मैंने अपनी आईब्रो को थोड़ा शार्प लुक देने के लिए पाउडर लेके थोड़ा इसके ऊपर लगाया है। तो अब हमारा बेस बिल्कुल ठीक हो चुका है। अब हम करेंगे कॉन्टोरिंग, नहीं सॉरी, पहले मैं लगाऊंगी ये ब्राउन कलर का लिप लाइनर एज ए काजल लोअर वाटर लाइन पे। और अब मैं अपनी नोज कॉन्टूर कर रही हूँ। और जहाँ जहाँ कॉन्टूरिंग की ज़रूरत है मैं वहाँ वहाँ कॉन्टूर कर रही हूँ। उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से हम इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे ताकि कोई हार्श लाइन ना रहे। ये देखिए यार, मतलब बहुत अच्छा कॉन्टूर हुआ था इससे, ये चीज़ की तो मैं तारीफ करूँगी। लिप लाइनर से इतना अच्छा कॉन्टूर हुआ है यार। इससे आपकी नोज थोड़ी और शार्प लगती है। और अब मैं लिपस्टिक को, ये भी 10 रुपीज़ की लिपस्टिक है, थी तो 20 की, बट मैंने बार्गनिंग कर कर के अंकल से ये 10 रुपीज़ की लगवा ली, उन्होंने मुझे दे दी। तो मैं इसे ऐसे ब्लश लगा रही हूँ अपने चीक्स पे, देन मुझे एक शार्पनेस चाहिए थी तो मैं फिर से पाउडर लेके शार्प कर रही हूँ। और अब हम लेंगे हाइलाइटर, ये भी अंडर 10 रुपीज़ था गाइस। ये बहुत अच्छा हाइलाइटर मुझे लगा था, मतलब कैमरे में आई डोंट नो कि इतना क्यों नहीं दिख रहा है, बट जब मैंने पिक्स लिए थे ना तो उसमें असली चीज़ दिख रही थी, लाइक बहुत ही अच्छा लुक आ रहा था। और अब मैं इसे आईब्रो बोन पे लगा लूँगी, ब्रो बोन पे, सॉरी, यहाँ पे मैं पक्का गलती करती हूँ, आईब्रो बोन बोल रहे हैं। गाइस अब मैंने लिपस्टिक ली है और मैं लिपस्टिक को, ये पिंक लिपस्टिक है तो हमारी आई थोड़ी डार्क है, तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा पाउडर लेके अपने लिप्स पे लगा लिया ताकि थोड़ा सा लाइट लगे। और अब मैंने ये भी अंडर 10 रुपीज़ है, इससे मैंने अपने मेकअप को सेट कर लिया। तो या गाइस, आफ्टर आईलैशेस इंक्लूड नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। तो आपको कैसा लगा मेरा मेकअप लुक, अंडर 10 रुपीज़ पार्टी मेकअप, यार क्या जा रहा है, किसका जा रहा है। I am totally happy with my name.